या उर्दू या इंग्लिश? उर्दू। एक आदरे मतलक मुझे दस्ते दुआ दे, मैं जिसको दवा दूँ तू उसको शफा दे। एक आदरे मतलक मुझे दस्ते दुआ दे, मैं जिसको दवा दूँ तू उसको शफा दे। इत्तफाकन हमारे घर में मच्छर कैसे होते हैं? मच्छर हमारे मुल्क में जो होते हैं ज़्यादातर, जो पाकिस्तान में चार किस्म के मच्छर होते हैं, मास्किटो, एनोफाइलिक्स फीमेल, एक फैल्सीफाम। सारे बच्चे हैं ये आपको याद होना चाहिए, फैल्सीफाम, वावेक्स और उसके बाद मलीराई, नंबर तीन पे मिक्स। अगर टाइम पे हम इलाज नहीं करेंगे क्या होगा? सर्दी के साथ टेम्परेचर, सी सागर, बुखार, शिवरिंग। आप अभी से डॉक्टर हो, आप आज से डॉक्टर हो, आपको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा जिससे हम करते हैं केमिस्ट्री इज बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी। शिवरिंग के साथ टेम्परेचर हो रहा है, वॉमिटिंग हो रही है, उल्टी दीक हो रही है, कुछ खा नहीं, अंदर नहीं जा रहा है, बॉडी एक हो रहा है, हेडेक होना चाहिए। गर्मी स्कूल में होना चाहिए। अबू अमी, हमारे पास डॉक्टर आया था, उन्हें यही बताया था सारी निशानियाँ मलेरिया की तरफ जा रही है। कहते हैं अगर ये टाइम पे इलाज इनका नहीं होगा तो ये ख़तरनाक है, इससे मेनिंजाइटिस होगी, सेरिब्रल मलेरिया, दिमाग की मलेरिया, जो दिमाग के हमारे ब्रेन के जो मेनिंजीज हैं उसमें सोजन, आपने पढ़ा होगा बालाजी में पढ़ा होगा मेनिंजीज, उसमें सोजन आ जाती है, फिर शुरू हो जाते हैं झटके जो ख़तरनाक है, अनकंट्रोल है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से फिट्स पड़ते हैं, झटके लगते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? गर्मी खिड़कियाँ, अभी जिस तरह सीजन है मच्छर की, मास्किटो की, मलेरिया की, हमें नौबत नहीं चाहिए कि हम डॉक्टर तक जाएं। अगर हम कोशिश करेंगे तो बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी।